नमस्कार दोस्तों, मैं रही मजेस्टिक होम से। मजेस्टिक होम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो फ्लैट रहने वाला है 3 BHK और एल कॉर्नर का, ये आपका फ्लैट रहने वाला है और विद कार पार्क के साथ वाइड रोड इसमें आपको मिलने वाले हैं, जो आपको दोनों रोड मिलने वाली है। 30-30 फीट की आपको दोनों इसमें वाइड रोड मिलने वाली है। एल कॉर्नर का फ्लैट है और मेट्रो कनेक्टिविटी, मेन रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी ये रहने वाली है। मोहन गार्डन की ये लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही प्राइम लोकेशन, गेटेड सोसाइटी है, 3 BHK फ्लैट है और मैक्सिमम लोन के साथ सिंगल यूनिट है। इसमें आपको LIC से भी लोन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैट की छोटी सी विजिट।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने 3 BHK फ्लैट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा रहेगा स्टेयर्स एरिया। ये देख सकते हो आपको काफी स्पेशियस, यहाँ आपको स्टेयर्स देखने को मिलेगी। बस यहाँ पे आपको रेलिंग दी गई है जो कि स्टेनलेस स्टील की रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट होते हैं अपने फ्लैट के अंदर, एंटर होते हैं। तो यहाँ से एंट्री हो चुकी है हमारे 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो सबसे पहले डोर्स की क्वालिटी देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर हाई क्लोसी, इसमें माइका यूज की गई है। देखिए लॉक सिस्टम काफी अच्छे, इसमें लॉक सिस्टम आपको इस गेट में मिल जाते हैं। हाई ग्लोसी, इसमें सारी माइका दी गई है। तो आ चुका हूँ अपने लिविंग रूम के अंदर। तो यू शेप का आपका कुछ इस तरीके का लिविंग रूम रहने वाला है, जिसमें कि बहुत अच्छी इसमें टाइल्स दे रखी हैं। 2x4 की इसमें टाइल्स यूज की गई है, क्योंकि डार्क और क्रीमी व्हाइट का इसमें ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है ये काफी अच्छा साइज का LED पैनल, जिसमें कि व्हाइट माइका यूज की गई है। और दोस्तों इसमें आप 50 से 60 इंच तक की LED यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। स्विच बोर्ड और आपका जो भी राउटर और जो केबल रहेगी वो भी ऑलरेडी दे रखे हैं। एंड नीचे आपको जो ड्रॉर्स का प्रोविजन मिल जाता है, यहाँ पे ओपन स्पेस दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एक पार्टीशन आपको ऊपर भी दिया गया है, तो यहाँ भी आपको फ्लावर पॉट या अपना कुछ भी गिफ्ट आइटम यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छे काम के साथ यहाँ पे आपको देखिए मिल जाती है कोना की आपको सारे स्विच वायरिंग मिल जाती है। कोना की आपको स्विच दिए गए हैं, लेकिन देखिए वुडन फिनिश में और वाइट फिनिश में यहाँ आपको सारे स्विच बोर्ड मिल जाते हैं आपके लिविंग रूम और सारे बेडरूम्स में। तो वॉलपेपर की अगर बात करूँ तो यहाँ देखिए काफी अच्छे डिजाइन का आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल वॉलपेपर दिया गया है, जो कि डार्क और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देने के साथ साथ इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पीड एसी का भी प्रोविजन दिया गया है दोस्तों। ऊपर यहाँ आपकी स्पीड एसी की प्रॉपर फिटिंग दे रखी है, सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है। जो आपका आउटडोर रहेगा वो बाहर बालकनी में इंस्टॉल हो जाता है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब आपकी ओपन किचन। तो यहाँ पे रहेगी आपकी किचन, तो काफी अच्छे साइज की आपकी किचन रहने वाली है। और देखिए बहुत ही शानदार इसको डिजाइन किया गया है। फ्रिज एरिया आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रिज एरिया की जगह मिल जाती है, जिसका की स्विच बोर्ड दे रखा है ऑलरेडी। और टाइल्स का भी प्रोविजन दे रखा है 4-4 फीट तक, जो कि साफ सफाई किचन में रख सके। तो यहाँ सबसे पहले आपको मैं दिखा दूंगा ये आपका सिंक एरिया। तो ये आपका यहाँ पे हमने एक पार्टीशन दे रखा है पत्थर से, जो कि यहाँ पे बर्तन वॉश करते हो पानी होगा तो वो बाहर की तरफ ना आए। और सिंक भी आप देख सकते हो काफी अच्छे साइज का यहाँ पे आपको सिंक दिया गया है। टैप्स ऑलरेडी दे रखे हैं दोस्तों। जगवार की सारी सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है, ये देख सकते हो। एक आपका ये जलबोर्ड का टैप रहेगा और ये एक आपका आरओ का टैप है, बाकी आपका समर सीवर का जो पानी का वो रहेगा। तो सारी जगवार की फिटिंग रहने वाली है। और स्टोन की अगर बात करूँ मार्बल की, तो रेड इसमें ग्रेनाइट यूज किया गया है प्रॉपर, देख सकते हो आप। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे ग्रेनाइट मिल जाता है। और वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है। आपका वेंटिलेशन एरिया इधर रहेगा, चिमनी का एरिया आपका इधर रहेगा, जो कि हम यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके देंगे हिंडवेल की चिमनी। पार्टीशन और बॉक्सेस की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपको वुडन बॉक्सेस दिए गए हैं, देख सकते हैं काफी अच्छे साइज के आपको स्टोरेज के लिए बॉक्सेस मिल जाते हैं वुडन के। और दोनों साइड में आपको माइका मिल जाती है। ऊपर की जो माइका रहेगी दोस्तों हमारी सारी व्हाइट रहेगी, और नीचे की जो माइका रहेगी हमारे चैनल्स की बॉक्सेस की, ये हमारी ग्रे कलर की रहेगी। तो सारे चैनल देख सकते हो आप, बहुत ही इजी मूव कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ब्रांडेड इसमें सारे हमने चैनल्स यूज किए गए स्टोरेज के लिए। और इस साइड में भी आपका काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की आपकी किचन रहने वाली थी। तो आइए अब चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारे लिविंग रूम की, सीधी अपने कॉमन वॉशरूम की। तो साइज देखिए आप, बहुत ही अच्छा साइज आपको मिलने वाला है। प्रॉपर ऊपर तक लेंटर दी गए, लेंटर तक टाइल्स दी गई है, फोर सीलिंग दे रखी है, गीजर फिटिंग मिल जाती है, और वॉश बेसिन और आपका ये पॉट एरिया बिल्कुल सेपरेट दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे काम के साथ ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। सैनिटरी की मैंने बात की थी कि सारी सैनिटरी जो हमारी रहेगी जगवार की रहने वाली है, प्लस शावर आपका इस साइड में आ जाएगा। ये आपकी गीजर फिटिंग दे रखी है दोस्तों, और बिल्कुल सेपरेट ये आपकी पॉट रहने वाली है। फिर भी देखिए कि आपके वॉशरूम में बहुत अच्छा खासा स्पेस रहने वाला है। कपड़ों के लिए हैंगिंग के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दे रखी है, हैंगिंग के लिए रोड दे रखी है, आप इजिली यहाँ पे अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। प्रॉपर ऊपर लेंटर तक टाइल दी गई है डार्क और क्रीमी फिनिश में। तो कुछ इस तरीके का हमारा कॉमन वॉशरूम था। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो यहाँ से एंटर होते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि बालकनी से अटैच रहेगा। आपको 2 बेडरूम बालकनी से अटैच मिलते हैं। तो ये देखिए, वैसे तो तीनों ही रूम आपके वेंटिलेटेड रहने वाले हैं, तो साइज से मिला दी, तो काफी अच्छा साइज में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसमें आपको वॉलपेपर का काम मिल जाता है, जो कि अच्छी फिनिशिंग और क्रीमी फिनिश में इसमें यूज किया गया कलर। साथ ही साथ ये आपको मिल जाती है अलमीरा, जो कि देखिए काफी अच्छी
स्टोरेज के ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमने इसको यूज किया गया है। कपड़े के लिए हैंगिंग रोड दे रखी है, ऊपर स्टोरेज के लिए प्रॉपर जगह दे रखी है, और माइका देखिए दोस्तों बहुत अच्छी इसमें माइका यूज की गई है, व्हाइट हाई ग्लोसी और ब्राउन ग्लोसी माइका इसमें यूज की गई है। हैंडल्स की क्वालिटी काफी अच्छी दे रखी है, और कुछ इस साइड में आपको एंटीक्स के लिए यहाँ पे जगह दे रखी है, आप अपने कुछ भी गिफ्ट आइटम यहाँ पे रख सकते हो। तो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया गया है इस बेडरूम के लिए। ये देख सकते हो आप ड्रॉर्स दे रखी है, ये एक पार्टीशन दिया है यहाँ पे अलग से, यहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, ये दो तीन ओपन बॉक्सेस मिल जाते हैं। स्विच बोर्ड का प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है बेडरूम्स की लाइट्स और फैन के लिए। तो आइए अब दिखा देते हैं आपका एलईडी पैनल। तो यहाँ पे एलईडी पैनल रहेगा, तो इसका अगर मैं साइज की बात करूँ तो लगभग 50 से 60 इंच की एलईडी इसमें भी आपकी आ जाती है बिल्कुल आराम से, जिसमें हाई ग्लोसी और वाइट ग्लोसी माइका यूज की गई है। ये आपको निश दे रखी है, एक ड्रॉर मिल जाती है और एक पार्टीशन आपको ऊपर मिल जाता है। तो आइए चलते हैं अपने वेंटिलेशन एरिया की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको, एक विंडो एसी का प्रोविजन दे रखा है, जिसमें कि अभी ग्रिल सेफ्टी के लिए ग्रिल दे रखी है। बोथ साइड आपको दो डोर्स मिलते हैं, आपका जाली वाला रहने वाला है और एक आपका ग्लास डोर। तो यहाँ पे चलते हैं अपने बालकनी की तरफ। तो देखिए काफी अच्छी स्पेसियस आपको एल कॉर्नर की बालकनी मिलने वाली है, प्रॉपर टाइलिंग दे रखी है, हाई ग्लोसी की टाइल्स इसमें यूज की गई है। तो आइए दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ आपका आपका सेकंड बेडरूम। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ से लिविंग रूम से हमारी एंट्री रहेगी अपने सेकंड बेडरूम में। तो साइज भी दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा इसमें आपको साइज मिलने वाला है, स्पेशियस ही आपका बेडरूम रहने वाला है, प्लस वेंटिलेटेड भी आपका बेडरूम रहेगा। यहाँ देखिए आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही साथ आपका बालकनी से अटैच ये बेडरूम रहेगा। तो विंडो एसी का भी प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, सेफ्टी पर्पस पूरा यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ये देख सकते हो आप ग्रिल का प्रोविजन आपको सभी विंडोज में दिया गया है। तो आइए दिखा देता हूँ आपका आपका स्टोरेज और अलमीरा एरिया। तो सबसे पहले अलमीरा पे नजर डालने, बहुत ही शानदार इसमें आपको अलमीरा मिलती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड हाइट दी गई है इसमें। और ये देखिए अंदर की स्टोरेज, तो बहुत ही अच्छी स्टोरेज के साथ ही आपको अलमीरा दी गई है इस बेडरूम में भी। और ऊपर भी देख सकते हो आप काफी अच्छे यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं वुडन से डिजाइन करके, तो ऊपर भी काफी अच्छा खासा आप सामान स्टोर कर सकते हो। और दोस्तों ये रहेगा आपका बेड एरिया, तो 6x6 का बेड आपका यहाँ पे आराम से आ जाता है। वॉलपेपर की एक बार आप नजर डालिए, बहुत ही शानदार इसमें वॉलपेपर दिया गया है, जो कि क्रीमी और डार्क शेड से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि इस बेडरूम की गेटअप को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। तो एक बार आप नजर डालिए ऊपर फोल सीलिंग पे, काफी अच्छी डिसेंट फोल सीलिंग दी गई है, जिसमें की स्ट्रिप लाइट स्टॉप लाइट का प्रोविजन दे रखा है, और इसमें फैंस जो रहेंगे हमारी तरफ से फ्री ऑफ गिफ्ट रहेंगे, ब्रांडेड फैन रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका एक सेकंड बेडरूम रहने वाला है। तो आइए अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। दोस्तों आ चुके हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा, जिसके साथ आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, प्लस ये भी आपका वेंटिलेटेड बेडरूम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बालकनी से अटैच विंडो दे रखी है, जो कि वेंटिलेशन के लिए आपके काम आएगी। और यहाँ पे आपका विंडो एसी का प्रोविजन है, स्विच बोर्ड दोस्तों ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, सेफ्टी पर्पस मैंने आपको बताया था, प्रॉपर यहाँ पे हमने ग्रिल का प्रोविजन दे रखा है। और अटैच वॉशरूम आपका इस साइड में रहेगा, जिसमें कि इसमें भी वॉल टू वॉल तक आपकी टाइल्स रहेंगी, शावर और आपके डाइवर्टर्स, वॉश मशीन, गीजर फिटिंग ऑलरेडी सारा कुछ काम प्रॉपर इसमें, जैसे कि आपके कॉमन वॉशरूम है ना, सेम ऐसे ही रहेगा। तो वॉशरूम के बाद दिखाना चाहूंगा आपको अपना ये वॉलपेपर, जो कि बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ ये आपका वॉलपेपर रहने वाला है। आप देख सकते हो कितना मतलब चमक मार रहा है वॉलपेपर, बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका 3D वॉलपेपर। तो 6x6 का बेड आपका यहाँ भी इजली आ जाता है, तो काफी अच्छा स्पेस है। 10x11 इसका बेडरूम का साइज रहने वाला है, साथ ही साथ अटैच वॉशरूम है। सीलिंग बहुत प्यारी है, एक बार आप नजर डालिए, रिसेंट इसमें आपको फॉल सीलिंग दी गई है, जिसमें ब्लू और येलो स्ट्रिप लाइट्स का प्रोविजन दिया गया है, साथ ही साथ ब्रांडेड इसमें आपको फैन मिल जाता है हमारी तरफ से। तो कुछ इस तरीके के काम के साथ ये आपका तीनों बेडरूम रहने वाले हैं, किचन वॉशरूम आपके सारे। और सबसे खास बात एल कॉर्नर का यहाँ का फ्लैग है, आपके तीनों बेडरूम वेंटिलेटेड है, किचन वेंटिलेटेड है और प्लस आपका वॉशरूम भी वेंटिलेटेड है। तो दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है, और कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए स्क्रीन पर नंबर हमारे दे रखे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। A53 रामा पर मजिस्ट्रिक हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और LIC जेंस बिल्डिंग में लोन आपको मिल जाता है, LIC अप्रूव्ड बिल्डिंग है, विद कार पार्किंग है। और फ्लैट का जो बुकिंग अमाउंट है ओनली 51,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट है, आप 51 लेकर आइए और इस फ्लैट को बुक कराइए, बाकी का जो रेस्ट कर जाएगा वो आपका लोन हो जाएगा। और रेडी टू मूव हमारे फ्लैट्स है, आप सारे मतलब 4 फ्लैट हैं, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग इस फ्लैट में बुकिंग करा सकते हैं।
तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।